अखिल की पत्नी घर पर नहीं थी। वह बच्चों को लेकर गर्मी की छुट्टियों में मायके गई हुई थी। अखिल को कभी भी अपनी पत्नी और बच्चों की कमी महसूस नहीं होती थी। उसने एंजॉय करने के लिए अपने कुछ दोस्तों को घर पर बुला लिया था। देर रात तक शराब और खाने पीने की पार्टी चलती रही। उसके बाद उसके दोस्त वहां से जाने को तैयार हुए तो अचानक से बाहर मूसलाधार बारिश होने लगी। अखिल ने अपने दोस्तों से कहा कि आज रात तुम लोग यहीं पर रुक जाओ ना। उसके दोस्त बड़े खुश हो गए और कहने लगे, हाँ यार, अब हमें भी घर जाने का मन नहीं था। वह लोग अपने अपने घर पर फोन करके बताने लगे कि आज की रात वह लोग अपने दोस्त के घर पर ही रहेंगे। अखिल काफी नशे में था और उसे बहुत जोरों की नींद आ रही थी, तो वह बेडरूम में जाकर लेट गया। उसके दोस्त भी जहां जगह मिली वहीं पर सो गए। आधी रात को अखिल को ऐसा लगा जैसे कोई उसका बेड हिला रहा है। उसकी नींद टूट गई। उसे लगा कि उसके दोस्त शरारत कर रहे हैं। वह उनींदी सी आवाज में बोला, अरे यार सोने दो, मजाक मत करो तुम लोग, बहुत पी रखी है मैंने, मुझे बहुत नींद आ रही है। ऐसा कहकर वह निढाल सा हो गया। तभी उसे ऐसा लगा मानो उसका बिस्तर हवा में ऊपर की ओर उठ रहा है। वह झुंझलाकर बिस्तर पर उठ बैठा तो उसने देखा कि वह कमरे में बिल्कुल अकेला था। उसका कोई भी दोस्त वहां पर मौजूद नहीं था। वह हैरान रह गया कि ये लोग कहां गए। तभी उसकी नजर नीचे पड़ी तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि सचमुच उसका बिस्तर हवा में उड़ रहा था। अब तो डर के मारे उसके होश हवास उड़ गए। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह एक एक करके अपने दोस्तों का नाम लेकर बुलाते हुए कहने लगा, दीपक यार कहाँ हो तुम, सुधीर तुम सो गए क्या, अरे यार तुम लोग हो कहाँ, यह सब क्या हो रहा है। वह पागलों की तरह चिल्ला रहा था, लेकिन उसका कोई भी दोस्त उसकी मदद के लिए कमरे में नहीं आ रहा था। तभी अखिल को ऐसा लगा जैसे कोई उसका गला दबा रहा है। उसके कानों में गुर्राई हुई आवाज गूंज उठी, अंकल आओ आज मैं बताती हूँ कि भूत क्या होता है। अखिल का पूरा बदन पसीने के मारे भीगने लगा था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे और वह बेहोश होकर कटे हुए वृक्ष की भांति गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर एकदम से शांत हो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद टूटी तो वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। सबसे पहले उसने बिस्तर की ओर देखा तो बिस्तर अपनी जगह पर सही सलामत था। उसके दोस्त भी बिस्तर पर पसरकर सो रहे थे, तो अखिल ने राहत की सांस ली। उसका पूरा बदन टूट रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात को जो कुछ भी उसने महसूस किया था वह कोई सपना था या हकीकत। काफी देर तक वह अपना सिर पकड़कर बैठा रहा। उसके दोस्त भी एक एक करके उठने लगे थे, तो वह उनके लिए कॉफी बनाने के लिए किचन में चला गया। किचन में कॉफी बनाते हुए वह अपने आप को समझाने लगा कि मैंने जो कुछ भी देखा वह एक सपना ही होगा, भला ऐसा भी कहीं होता है क्या। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा था उसे पक्का यकीन होता जा रहा था कि उसने एक सपना ही देखा था। उसके दोस्त कॉफी पीने के बाद एक एक करके उससे विदा लेकर वहां से चले गए। अखिल सोचने लगा कि आज तो मैं घर पर अकेला हूं, तो क्यों ना कुछ मस्ती की जाए। अभी वह सोच ही रहा था कि वह क्या करे, तभी पड़ोस की एक बच्ची खेलते हुए उसके आंगन में आ गई। उसका आंगन खुला हुआ था और मुख्य द्वार पर कोई दरवाजा नहीं था, तो बच्चे खेलते खेलते उसके आंगन में चले जाते थे। उसके आंगन में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, साथ में घने छायादार वृक्ष भी थे, तो उन वृक्षों की छाव में बच्चे तरह तरह के खेल खेलते रहते थे। पूरे मोहल्ले में यह बात प्रसिद्ध थी कि अखिल छोटे बच्चों से बहुत प्यार करता है, तो कोई भी अपने बच्चों को उसके यहाँ जाने से नहीं रोकता था। अखिल भी कभी बच्चों को चॉकलेट तो कभी आइसक्रीम खिलाता रहता था। जब पानी पूरी वाला वहां से गुजरता था तो वह सब बच्चों को बुलाकर पानी पूरी खिलाता था। सभी बच्चों का वह चहेता अंकल था, सब बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। अखिल इसी बात का फायदा उठाता था। उस बच्ची को देखकर उसने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, अरे गुड़िया आज तुम अकेले खेल रही हो, तुम्हारे सारे दोस्त कहाँ हैं। गुड़िया मासूमियत से बोली, अंकल अभी तो कोई खेलने के लिए नहीं आया, मुझे खेलने का मन कर रहा था तो मैं खेलने के लिए आ गई। अखिल ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसकी कमर और पीठ को सहलाने लगा। गुड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अखिल अभी कुछ और करता, इससे पहले ही पड़ोस की राधा काकी एक स्टील का भगौना लेकर आती हुई दिखाई दी, तो अखिल थोड़ा घबरा गया और उसने गुड़िया से कहा, जाओ बेटा आंगन में खेलो। थोड़ी देर के बाद राधा काकी उसके सामने खड़ी थी। वह कहने लगी, बेटा आज मेरी बहू ने खीर बनाई थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी लेती आऊं। तुम्हारी पत्नी तो मायके गई है तो तुम्हें खाने पीने की दिक्कत तो हो ही रही होगी। अखिल हंस पड़ा और कहने लगा, नहीं काकी, मुझे आप लोगों के रहते हुए खाने पीने की दिक्कत कैसे हो सकती है। अभी कल ही विमला काकी अपने घर से मेरे लिए छोले लेकर आई थी। इसी तरह कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेकर आ जाता है। राधा काकी कहने लगी,
बेटा तुम्हारा स्वभाव इतना मिलनसार है तो सब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं। थोड़ी देर तक राधा काकी ने उससे बातचीत की, उसके बाद वह वहां से चली गई। राधा काकी के वहां से जाते ही अखिल ने गहरी सांस ली। उसने आंगन में देखा तो गुड़िया वापस चली गई थी, तो वह थोड़ा उदास हो गया और घर के भीतर आ गया। उसके पेट में चूहे कूदने लगे थे, तो एक कटोरी में खीर निकालकर वह खीर खाने लगा। खीर खाते खाते अचानक से उसका सिर भारी लगने लगा और उसे नींद सी आने लगी, तो वह उठकर अपने बेडरूम में आया। वह बिस्तर पर लेट गया, लेकिन तभी ऐसा लगा मानो भूकंप आ गया है। कमरे में पड़ा हुआ टेबल लैंप छन्न की आवाज से फर्श पर गिरकर टूट गया। कमरे में जोर जोर से हवाएं चलने लगी, मानो कोई तूफान आने वाला हो। अखिल घबरा गया और उसे रात वाली घटना याद आने लगी। तभी अचानक से बगल में पड़ा हुआ स्टूल हवा में उड़ता हुआ ऊपर उठा और अखिल के ऊपर ही धम्म से गिरा। अखिल के सिर में चोट लग गई। आज जो कुछ भी हो रहा था वह सब सपने नहीं देख रहा था, यह बात बिल्कुल पक्की थी। अखिल डर के मारे सूखे हुए पत्ते की भांति कांपने लगा। वह बिस्तर से उतरना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मजबूती से उसके पैर पकड़ लिए हों। वह खुद को घसीटते हुए आगे भागने लगा, जिससे कि बिस्तर पर बिछी हुई चादर उसके साथ खींचने लगी, लेकिन किसी ने पूरी ताकत लगाकर उसे पीछे खींच लिया। अचानक से उसे अपने सीने पर भारी पंसा महसूस होने लगा और तभी कमरे में घुप अंधेरा छा गया। अंधेरे में उसे दो चमकीली हरे रंग की आंखें अपने ठीक ऊपर चमकती हुई दिखाई दी, तो अखिल की चीख निकल गई, लेकिन उसकी चीख बाहर नहीं निकल पा रही थी, उसकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। तभी कमरे में किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। अखिल घबरा गया कि यह सब क्या हो रहा है। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी मानो लग रहा था कि उसका दिल उसकी पसलियों के पीछे से उछलकर बाहर निकल आएगा। तभी धीमी गुर्राहट के साथ एक आवाज आई, अंकल तुम्हें बहुत शौक था ना भूतों की कहानी सुनाने का, याद है तुम कहते थे कि इस कमरे में भूत है। आओ अंकल आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि भूत क्या होता है। अखिल ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर ली। अब लग रहा था मानो उसके प्राण ही निकल जाएंगे, लेकिन अचानक से लगा जैसे सब कुछ थम सा गया। तुरंत ही कमरे में उजाला छा गया। कमरे में जो सामान बिखरा हुआ था वह तो यथावत था, लेकिन अब अखिल को अपने ऊपर भारीपन महसूस नहीं हो रहा था और ना ही कमरे में तेज हवा चल रही थी। अखिल भागता हुआ घर से बाहर निकला और सीधे मंदिर में जाकर बैठ गया। वह डर के मारे थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भगवान मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। वह दिन भर वही मंदिर में बैठा रहा और बैठे बैठे अपने कुकर्म के बारे में सोचता रहा। एक महीने पहले अखिल घर पर अकेला था। उसकी पत्नी की बुआ जी की तबीयत खराब थी, तो वह उनसे मिलने के लिए उनके घर गई हुई थी और वह देर रात को ही घर आने वाली थी। बच्चे भी उसके साथ ही गए हुए थे। अखिल अकेले बोर हो रहा था तो उसने अपना मन बहलाने के लिए मोबाइल में गंदी वीडियो देखनी शुरू कर दी। तभी बाहर उसे बच्चों का शोर सुनाई दिया। बच्चे लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। खेलते हुए मीठी नाम की एक लड़की उसके हॉल में आकर छिप गई। उसे देखकर अखिल की नीयत डोल गई। अक्सर अखिल छोटे बच्चों को गलत तरीके से छूता रहता था, लेकिन आज उसके इरादे कुछ और ही लग रहे थे। उसने बड़े प्यार से कहा, मीठी तुम मेरे कमरे में छुप जाओ तो कोई भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। मीठी चहकते हुए उसके कमरे में जाकर बेड के नीचे छुप गई। तब अखिल ने बाहर की ओर देखा और उसने घर का दरवाजा बंद कर लिया। फिर वह कमरे में आया और उसने मेन स्विच से लाइट ऑफ कर दी। पूरे घर में काला अंधेरा छा गया। मीठी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह घबरा कर बाहर निकलने लगी। तब अखिल कमरे के बाहर से ही चिल्लाते हुए बोला, मीठी तुम कमरे से बाहर मत निकलना, मेरे कमरे में ना भूत आता है अंधेरे में, वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मीठी घबरा गई। तभी उसे एहसास हुआ जैसे किसी ने उसे छुआ हो। वह चिल्ला उठी तो अखिल की आवाज आई, देखो बेटा मैं कमरे में ही हूँ लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, तुम डरना बिल्कुल भी मत, वह भूत तुम्हें कुछ नहीं करेगा। मीठी खामोश रह गई। तभी उसे एहसास हुआ जैसे उस भूत ने उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया है। उसने विरोध किया और भागने की कोशिश की तो उस भूत ने उसे दबोच लिया और उसका मुंह बंद करके उसके साथ गलत करने लगा। मीठी दर्द और आंसू के ढेर में कुछ ही पलों में तड़प तड़प कर शांत हो गई, क्योंकि उस भूत ने उसकी चिल्लाहट को रोकने के लिए कसकर उसका मुंह दबा रखा था। थोड़ी देर में जब अखिल अपनी मनमानी कर चुका था तो उसने सोचा कि वह भूत का बहाना बनाकर मीठी को कहानी बनाकर सुना देगा और उसके बाद उसे घर जाने के लिए कह देगा। लेकिन जब उसने लाइट ऑन की तो वह यह देखकर दंग रह गया कि मीठी तो खून के ढेर में शांत हो चुकी है। अब अखिल घबरा गया और वह सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं। इधर थोड़ी देर के बाद बाहर मीठी की तलाश शुरू हो गई थी, मगर किसी को भी अखिल पर शक नहीं हुआ था। सब लोगों को यही लगा कि कोई बच्चा चुराने वाला मीठी को लेकर चला गया है। अखिल भी सबके साथ मायूस चेहरा लेकर मीठी को ढूंढने का नाटक करता रहा।
लेकिन मिठी की मृत देह तो उसके घर में पड़ी हुई मानो खुली आंखों से खुद को ढूंढ लिए जाने की प्रतीक्षा में पड़ी हुई थी। पुलिस ने भी आकर बहुत छानबीन की, लेकिन अभी तक मिठी के घर वालों को कुछ पता नहीं चल पाया था। और आज अखिल के साथ यह सब हुआ था तो उसे यही सब बातें याद आ रही थी और वह सोच रहा था कि कहीं यह मिठी की आत्मा तो नहीं जो उससे बदला लेने के लिए आई है। दोस्तों, अखिल ने मिठी की मृत देह के साथ क्या किया? क्या अखिल उस आत्मा से बच जाएगा? यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए और उसके लिए कथा संचय चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और अगर आपको नई कहानी का लिंक चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको लिंक जरूर दूंगी। धन्यवाद।